एक शॉर्ट फिल्म है और शॉर्ट फिल्म में बनाता रहता हूँ और सॉरी मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ आज। और ये जो फिल्म है एक ट्रू स्टोरी पे, मेरे एक फ्रेंड है जिसे ब्लड कैंसर हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उसका जो डेथ हुआ वो ट्रेन में हुआ और वो उसकी मतलब मदर एंड कज़न साथ में जा रहे थे और अचानक मौत ट्रेन में हुआ एंड फिर माँ को बता के अगर वो रोई तो रेलवे की सज़ा सकती, पुलिस की सज़ा सकती, तो डर के मारे या अपने बेटे के लिए वो रोती नहीं है। तो कहानी कहानी वो है। या जैसे इन्होंने बताया तो माँ कितनी बड़ी चीज़ है इस फिल्म से पता चलता है। मतलब हम लोगों ने तो काम किया है उसमें, फिर देखा, फिर भी मतलब रोने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं। सर फैंटास्टिक फिल्म, मतलब माँ मतलब वो बच्चा मतलब आप लोग दिखाते भी, बच्चा पूछता कि ये तू क्यों, तो उन्हें नहीं पता चलेगा बेटा तेरे तुझे माँ क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली इट्स द माँ मदर, वो क्या बच्चे के लिए क्या कर सकती है, मतलब अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं होने के लिए वो क्या कर दे, दैट इज़ द फिल्म। तो वैसे वो फिल्म है, आई एम डूइंग वन विद द कॉन्स्टेबल इन द प्लेटफॉर्म, दैट कैरेक्टर इज माइन। एक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में और इन शॉर्ट फाइनली जो व्यूवर्स फिल्म जब देखेंगे। मेरे मन में आई एम विल्सन लुइस, मैंने दो तीन फिल्म बनाई है। मेरी लास्ट फिल्म थी कालो जो मैंने डायरेक्ट की थी, जो एक डे हॉरर शॉर्ट फिल्म में मेरे थर्ड शॉर्ट फिल्म है और पहले दो फिल्म में भी काफ़ी अवार्ड्स मिले। और ये जो फिल्म है अभी लास्ट लंदन फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुआ है और कैलिफोर्निया में बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिल चुका है। तो अभी मेरे अगली वाली फिल्म है, नेक्स्ट फिल्म इज सुपर हीरो फिल्म प्रोड्यूस बाय पेन इंडिया, जिंदीलाल गाड़ा। इट्स अ कमर्शियल फिल्म और उसके पहले आए मतलब मेरा विल्सन का नेगोशिएशन इज फ्रॉम एक्चुअली हो सकता है द फिल्म, द फर्स्ट फिल्म आई वर्क विथ हिम। उसके बाद में काफ़ी फिल्में की, एवरी फिल्म आई एम देयर विद विल्सन लुइस। विल्सन इज बेसिकली एफएक्स डायरेक्टर फ्रॉम माया एंटरटेनमेंट एंड माया से एंड इज अ वेरी गुड डायरेक्टर ऑल्सो। सो कालो तो आप सब लोगों को मालूम ही है, नाउ इज लुकिंग फॉर अ कमर्शियल फिल्म वी आर, सो लेट होप सो एंड ऑल द बेस्ट टू माई दोस्त विल्सन लुइस।